अगर आप कम पैसों में बेहतर रेस्टोरेंट के जायके का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो फिर ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस चले आइए राज सचिवालय, जहां आप किफायती दर पर महंगे रेस्टोरेंट जैसा व्यंजनों का स्वाद चख सकते हैं। दृश्य किसी फाइव स्टार होटल या फिर किसी महंगे रेस्टोरेंट का एहसास कराता है। यदि आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकिएगा। दरअसल ये राज्य सचिवालय प्रोजेक्ट भवन का वो कैंटीन है जो कुछ महीने पहले तक अपनी गंदगी और अव्यवस्था के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इसने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया है। आपको यहाँ आकर एहसास होगा जैसे किसी महंगे रेस्टोरेंट या होटल में आप बैठे हो। नहीं, पहले से बहुत बेहतर सुविधा हुई है यहाँ पे, और यहाँ खाने का वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है और साफ सफाई भी काफ़ी अच्छी है, इसके कारण काफ़ी सुविधा हो गया है यहाँ के लोगों को। तो रिनोवेशन हुआ है कुछ दिन पहले से, दिसंबर से आई थिंक, तब से यहाँ पे क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छा हो गया। गंदगी जैसा आप बोल रहे सचिवालय में होता था, यहाँ पे तो गंदगी है नहीं, कोई मक्खी वगैरह या फिर किसी तरह का इंसेक्ट फ्लाइज कुछ भी है नहीं। और डस्टबिन भी एक चीज़ अच्छा है, यहाँ पे डस्टबिन जगह जगह पे रखे हुए हैं, तो अगर किसी को कुछ थ्रो करना रहा तो उसमें कर सकते हैं। वॉशरूम भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे सैनिटाइजर वगैरह और डिटॉल्स रखे हुए हैं, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छा है। बहुत बहुत अच्छा अरेंजमेंट है इधर, तो हम लोग मैंने इधर जो फैसिलिटीज प्रोवाइड किया गया है, हम कलकत्ता से आए हैं सचिव मेरा काम के लिए, तो ये टिफ़िन आवर से हम थोड़ा एक कप कॉफ़ी पीने, या जो फास्ट हाफ में हमारा जो डिस्कशन हुआ था वो हमारा टीम से बातचीत करने के लिए दिस इज़ द आइडियल प्लेस। श्रम विभाग द्वारा संचालित इस कैंटीन को आउटसोर्स के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने किया था। दरअसल दूर दराज से सचिवालय में कई लोग अपने काम के लिए आते हैं और उन्हें कई घंटे तक इंतजार भी करना पड़ता है। ऐसे में लोगों के लिए बड़ी समस्या ये थी कि उन्हें चाय, नाश्ता, भोजन के लिए सचिवालय से काफी दूर यानी बिरसा चौक के होटलों के पास जाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ सब कुछ उपलब्ध है। हमारे हिसाब से तो पूरा सेटिस्फेक्शन अच्छा है, क्योंकि फीडबैक हम कंटिन्यू लेते हैं ऊँचे अधिकारी से भी, और उनके साथ जो और भी अधिकारी आते हैं उन तमाम लोगों से, ऑफिसर ग्रेड के भी जो आते हैं उनसे भी मैं लेता हूँ फीडबैक, तो पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है। क्योंकि मेरा तीन कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, सबसे पहले मटेरियल क्वालिटी मेंटेन करना, किसी भी तरीके का कोई कमी सर्विसेज में नहीं होना। पहले इस कैंटीन में बहुत सारी चीज़ें थी जो कमी थी, जैसे सफाई के तौर पे, तो इस कैंटीन में हमने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दिया है कि सफाई बहुत अच्छी रहती है, हर वक्त रहती है, आप देख सकते हैं। हाइजीनिक फूड का यहाँ पे है, हर एक चीज़ का मैंने अरेंजमेंट किया है और इससे तमाम लोग बहुत खुश हैं। ये कैंटीन सचिवालय प्रोजेक्ट भवन के अंतिम हिस्से में बना है। ओल्ड एज और शुगर रोगियों के लिए यहाँ पर विशेष मेन्यू की व्यवस्था भी की गई है। यदि आप भी सचिवालय किसी काम से आते हैं तो एक बार इधर का रुख जरूर कीजिएगा। यदि आप निकट भविष्य में किसी काम से राज्य सचिवालय आ रहे हैं और आपको यदि ऐसा लगता है कि आपके कार्यों में देर हो रही है, तो अपने आप को कोसिएगा मत, राज्य सचिवालय के इस कैंटीन में थोड़ा वक्त गुजार लीजिएगा। यहाँ चाय, कॉफी, नाश्ता और भोजन तो मिलेगा ही, आप अपनी गोपनीयता का भी पूरा ख्याल रख सकते हैं। कैमरा राजेश के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची।